जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र से संबंधित। यहाँ पर काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण एवं दोष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रात्रि में 10 बजे क्लास आपके लिए लाई जाती है। हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय, अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन परिचय आप पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो मात्र 299 रुपए में आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। और 4700 इसमें प्रश्न होंगे, नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिल्पा जी, आरती जी, संध्या जी, राजीव जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे कौन थे, बताइए। चयन कीजिएगा दंडी, भामा, उद्भट्ट या फिर राजशेखर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर एक है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य की बात करें तो भामा आप सभी का यहां पर राइट आंसर होगा, जो कि यहां पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, भामा आप सभी का सही राइट आंसर है। काव्य शास्त्रीय अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं भामा। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर दो पूछा गया है, देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, किन्होंने किया है, आपके लिए चयन करना है। नामवीर जी, मुकुंद जी, भामई ने, दंडी ने, आनंद वर्धन ने या फिर कुंतक ने। क्वेश्चन नंबर दो का सही राइट आंसर क्या होगा, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया है, तो सही राइट आंसर आना है विकल्प नंबर सी, यानी कि आनंद वर्धन ने। आनंद वर्धन आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर तीन है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, वह तत्व आपके लिए बताना है। अलंकार है, रस है, नाट्य है या फिर ध्वनि है, बताइए। लवली जी, क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर तीन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, और सही राइट आंसर है ध्वनि। विकल्प नंबर जिन्होंने चयन किया है डी, उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा ध्वनि। आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है और आनंद वर्धन द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है ध्वन्यालोक। बिल्कुल सही, आनंद वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे चार पूछा गया है, कौन सा युग्म सही नहीं है, वह युग्म आपके लिए बताना है, बताइएगा। भट्ट लोलक उत्पत्तिवाद, संकोक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, बताइए। पूजा जी, क्या होगा सही राइट आंसर, तन्मय जी, कौन सा युग्म सही नहीं है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, संकोक अनुमितिवाद, तो बिल्कुल सही, इसी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि आचार्य मम्मट ए भुक्तिवाद, ए वाला युग्म आपका यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही राइट आंसर, आप लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भट्ट नायक माने जाते हैं, ना कि आचार्य मम्मट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पांच है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, में कौन सा काव्य दोष है, काव्य दोष बताना अंश जी, अधिक पदत्व या फिर प्रति अप्रति तत्व या फिर दुष्क्रमत्व या फिर क्लिष्टत्व। क्वेश्चन नंबर पांच है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया रमा जी, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है विजय जी यहाँ पर, विकल्प नंबर एक अधिक पदत्व आप सभी का सही राइट आंसर है। सुंदर है विहग समन सुंदर, मानव तम सबसे सुंदरतम, में कौन सा काव्य दोष है, अधिक पदत्व आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर छह आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर छह में बताने भट्ट लोलट है, भरत मुनि है, भट्ट नायक है, अभिनव गुप्त है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का मनीष जी यहाँ पर सही राइट आंसर है भरत मुनि। भरत मुनि आप सभी का सही राइट आंसर है, नाट्य शास्त्र के प्रेरणता पूछा गया है तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, भरत मुनि माने जाते हैं रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रेरणता माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किन्होंने, दंडी ने, भरत मुनि ने, बामन ने या फिर अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर सात में सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। हाँ मनीषा जी, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किन्होंने, भरत मुनि ने। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, भरत मुनि। भरत मुनि राइट आंसर है। मुनीष जी पढ़िएगा, ये जो है अपन पढ़ लेते हैं और अपन बोलते हैं कि अपन को तो याद है और फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो भाई क्वेश्चन अपन से कैसे होते हैं, गलत होते हैं। और कुबलयानंद के रचयिता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, भामय है, दंडी है, पंडित राज जगन्नाथ है, अप्पय दीक्षित है। आठ का सही राइट आंसर बताना है, चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवव्रत पांडे जी, आलोक जी, क्या होगा सही आंसर बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है, कौवल्यानंद के रचयिता पूछा गया है और अप्पय दीक्षित जिन्होंने चयन किया है डी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सुनित जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि कौवल्यानंद और चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता अप्पय दीक्षित माने जाते हैं। बिल्कुल सही, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने माने हैं ये आपके लिए नौ में बताना है, दस माने हैं इन्होंने या फिर इन्होंने तीन माने हैं, पंद्रह माने हैं, आठ माने हैं, कितने माने हैं चयन कीजिएगा। चार विकल्प दिए गए हैं आचार्य मम्मट ने, काव्य गुण कितने माने हैं, और नौ का सही राइट आंसर है आप सभी का कि इन्होंने तीन माने हैं। विकल्प नंबर आपका बी जो है तनुजी, वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, आचार्य मम्मट, आचार्य भम्मय, आचार्य आनंद वर्धन और हेमचंद्र और पंडित राज जगन्नाथ आदि ने आचार्यों के जो आचार्यों ने काव्य के जो है तीन गुण माने हैं। और बात करें भरत मुनि और दंडी ने तो इन्होंने काव्य गुणों की संख्या दस मानी है। और बात करें आचार्य बामन की तो इन्होंने बीस गुण बताए हैं, तो ये आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर दस पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिएगा, न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, यह अभिमत है, ये अभिमत किनका माना जाता है, आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामय का या फिर आचार्य मम्मट का। दसवां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाकांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, अभिमत माना जाता है आचार्य भामय जी का। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है, सेनी जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामय, उन्हीं का ये अभिमत माना जाता है। ये है न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान होती है जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। इसका जो है ये परिभाषा हिंदी में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 11 पूछा गया है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह कहलाती है, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अभिधा, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी राइट डी राइट आंसर है, अभिता होगा राइट आंसर, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं। जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ प्रकट होता है वह अभिता कहलाती है, शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ
तत्क्षण ज्ञात होता है वह शब्द शक्ति की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया देखते हैं, बारहवा क्वेश्चन सही युग्म में चिन्हित करना है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही है चयन करना है बताइएगा। वैदर्भी, ये माधुर्य, गौणी माधुर्य, पांचाली ओज, गौणी प्रसाद, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बारहवा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, सही युग्म चयन करना है, चिन्हित करना है, वैदर्भी माधुर्य आपका ये वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। उपरोक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। गुण आपके लिए बताना है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, या इनमें से कोई नहीं है, चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर मुकेश जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है, माधुर्य गुण आप सभी का सही राइट आंसर। उपरोक्त पद में माधुर्य रस, क्योंकि उपरोक्त पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण उपरोक्त पद, उपरोक्त पद वियोग विदरित और मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, महत्वपूर्ण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है। 14 में बताना है, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तन्मय जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सागर जी, और 14 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, यानी कि ओज गुण। ओज गुण आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह ओज गुण कहलाता है, बिल्कुल सही। ओज गुण में टा ठा डा पा फा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो ये वर्ण याद रखिएगा, ये ओज गुण में इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, देखिएगा, तरु रिपु रिपु धर देखी के बिरहिनी के अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष आपसे पूछ लिया गया, 15वां क्वेश्चन है, चयन कीजिएगा। रीमा कुमारी जी, मनोरमा सिंह जी, क्या होगा सही राइट आंसर, और हस्तक जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्लिष्टक, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कौन सा काव्य दोष है, तो विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है मैं आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्लिष्ट तत्व जिसका अर्थ होता है कठिनाई से, इसका ये जो है अर्थ होता है, अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है वहां पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम आपके लिए बताने कौन सा है, प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्यादर्श, या फिर भाषादर्श। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, लाइक अवश्य कर लेंगे। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम पूछा गया है, तो काव्यादर्श जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, काव्यादर्श आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। परिभाषा कई बार पूछी गई है और सभी लोग बताएंगे, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामय, आचार्य विश्वनाथ, राकेश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि ये परिभाषा तो मानी जाती है, किनकी ये परिभाषा मानी जाती है, क्या होगा राइट आंसर, सी आप सभी का सही आंसर होगा, आचार्य भामय, आचार्य भामय आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 पूछा गया है। दृश्य काव्य की विधा आपके लिए बताना, दृश्य काव्य की विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर गीति काव्य। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है नाटक। दृश्य काव्य की विधा है नाटक, आप सभी के लिए सही राइट आंसर होगा। दृश्य काव्य की विधा नाट्य पर आधारित होती है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष दृष्टि से सामने वाले दृश्यों का जो है संयोजन होता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है दृश्य काव्य, दृश्य माना जाता है नाटक जो है दृश्य काव्य विधा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है। वह आचार्य आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। अंश जी चयन कीजिएगा, चार विकल्प दिए गए और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। पटेल जी क्या होगा सही राइट आंसर 19 में, शंको का सही राइट आंसर है, शंको का सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। भट्ट लोलक का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। आचार्य शंको का मत अनुमितिवाद, भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद एवं अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, अनुभवों के कितने भेद होते हैं। अनुभवों के भेद आपके लिए चयन करना है, बताइए, चयन कीजिएगा मोटिवेशनल जी क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का सही राइट आंसर है अनुभवों के कितने भेद होते हैं पूछा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि इनके दो भेद होते हैं, दो वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर लगा देते हैं। अनुभव का शाब्दिक अर्थ है भावों का अनुगमन, अर्थात वे चेष्टा जिनके द्वारा मनोभावों यानी कि स्थायी भावों का अनुगमन किया जाता है अनुभव कहलाती हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार की होती हैं, कायिक और सात्विक। ये आपसे अगर पूछा जाए कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होते हैं, कौन कौन से होते हैं अनुभव, कायिक और सात्विक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 21, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है नीतू जी, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 21 में भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, नाट्य शास्त्र आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर चयन किया बी जिनने, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया, इस ग्रंथ में रस को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने लिखा है व्यभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात, ये जो है कई बार पूछा गया संयोगात रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि ने जो है रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भगवती, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है चयन करना है आपके लिए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर, कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं बताना है तो नहीं में, तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर है। वक्रोक्ति के लिए जो माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुंतक जो है कश्मीर के निवासी थे, उन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं उत्तरार्ध के। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम बताना है, 23 में आपका सही राइट आंसर क्या होगा बताइए, चयन कीजिएगा। अनीता जी, रनु जी, प्रमोद जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर
और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है मुक्तिवाद। मुक्तिवाद आपका विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। मुक्तिवाद या भोगवाद कहा जाता है जिसके आचार्य भट्ट नायक हैं, इनका दार्शनिक मत सांख्य दर्शन माना जाता है। अनुमितिवाद के भट्ट संकुक हैं, इनका दर्शन न्याय दर्शन है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के भट्ट लोलक माने जाते हैं, इनका दर्शन मीमांसावाद है। और अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त माने जाते हैं, अभी से अभिव्यक्तिवाद और अभी से अभिनव गुप्त, तो ये जो है इनका दार्शनिक मत माना जाता है सेव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। अचला रानी जी चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 24वां क्वेश्चन है और 24 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कुंतक। ऐसा बक्रो जो कान तक जाए, ऐसा बक्रो जो कान तक जाए, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कुंतक, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहां पर एक जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया 25, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचारों के साथ सम्मिलित करना है, सूची एक को सूची दो से कोड की सहायता से, आपके यहां पर कोड भी दिए गए हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग सम्मिलित कीजिएगा। औचित्य के कौन हो जाएंगे, औचित्य के बताना है, तो औचित्य किसमें है, औचित्य क्षमा करने में है। औचित्य संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, क्षेमेंद्र। और वक्रोक्ति के कौन हो जाएंगे, तो वक्रो, वक्रो ऐसा वक्रो जो कान तक जाए, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक। ध्वनि, ध्वनि कोई अच्छी सी ध्वनि सुनाओ जिससे आनंद की अनुभूति हो, तो ध्वनि से ध्वनि जो है आनंद वर्धन, आनंद वर्धन ऐसी ध्वनि सुनाओ जिससे आनंद की अनुभूति हो, तो ध्वनि से ध्वनि संप्रदाय और आनंद से आनंद वर्धन। रस के कौन हो जाएंगे, तो रस संप्रदाय के हो जाएंगे भरत मुनि, भरत मुनि आप सभी का सही राइट आंसर। जो भामय माने जाते हैं वह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला दिया गया है, देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिभा का संबंध किससे है, बताइएगा चयन कीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। देवव्रत जी काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से, काव्य लक्षण से, बताइए प्रतिभा का संबंध किससे है, और आप सभी का सही राइट आंसर है काव्य हेतु से, काव्य हेतु आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। काव्य हेतु यानी कि हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्ना कारणमा, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं, हेतु कारण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे काव्य हेतु के तीन भेद बताए हैं, कौन कौन से हैं, अगर पूछा जाए काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के कितने भेद बताए हैं, तीन, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन पांच अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम आपके लिए बताना है, वह पांच अर्थ प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, जिसका सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है, बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए हैं। आस्था जी बहुत बढ़िया, और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में बी वाला विकल्प, नीतू जी सही आंसर चयन किया, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति के पांच अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना, दो ही विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, दो विकल्प इस साइड है वह दिख नहीं रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर रचनाएं दी गई है, तो साहित्य दर्पण की बात करें, साहित्य दर्पण रचना किन की मानी जाती है, तो साहित्य दर्पण रचना मानी जाती है विश्वनाथ जी की, जो कि यहाँ पर विकल्प में आपके लिए नहीं दिख रहा है। नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण रचना किन की मानी जाती है, तो नाट्य दर्पण मानी जाती है रामचंद्र गुणचंद्र जी की रचना नाट्य दर्पण। अगला यहाँ पर दिए गए हैं और विकल्प आपके जो कि दूसरे साइड है, देखिए
सागर नंदी, सागर नंदी किसकी रचना मानी जाती है? तो सागर नंदी जो है ये मानी जाती है किनकी? नाटक लक्षण रत्नकोश, तो इस प्रकार यहाँ पर और इन्हीं की मानी जाती है सागर नंदी, सागर नंदी की रचना जो है मानी जाती है। सागर नंदी की रचना है कौन सी? तो सागर नंदी की रचना है नाटक लक्षण रत्नकोश। और रामचंद्र गुणचंद्र की रचना कौन सी मानी जाती है? तो रामचंद्र गुणचंद्र की रचना मानी जाती है कौन सी? नाट्य नाट्य दर्पण मानी जाती है, जो कि यहाँ पर दूसरी साइड दी गई है। बिल्कुल सही, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। और आप सभी का अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 29वां क्वेश्चन है। देखिए, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के प्रकार बताने आपके लिए चार विकल्प दिए गए हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्रमोद जी चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसर है 5 प्रकार होते हैं अर्थोपक्षेपक के। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा, विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या फिर अंकाश या फिर और एक और पांचवा अंकावतार। ये जो है 5 माने जाते हैं। सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकाश और पांचवा अंकावतार। ये 5 होते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 30वां क्वेश्चन है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम बताना है। सही क्रम कौन सा होगा बताइएगा। चयन कीजिएगा श्रेया जी, क्या है सही राइट आंसर? लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पर लाइक किए हैं, तो सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, भारती, सातवती, कैसिकी और आर्यभट्टी। ये वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है, भारती, सातवती, कौशिकी है, वहां पर कैसिकी नहीं है, कौशिकी और आर्यभट्टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 31वां क्वेश्चन है, उक्तियों को उनके आचारों के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में उक्तियां, सूची 2 में आचार्य और यहाँ पर नीचे कोड। इन कोड की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। वाक्यम, रसात्मकम, काव्यम के कौन हो जाएंगे? तो ये तो सभी से बन जाएगा कि सॉरी यहाँ पर विकल्प नंबर 1 दिख नहीं रहा है, ये है आपका विकल्प नंबर 1 कि शब्दार्थम सहितव काव्यम, ये है आपका। तो शब्दार्थम सहितव काव्यम के कौन हो जाएंगे? तो इसके कौन है? शब्दार्थम सहितव काव्यम के भामय हो जाएंगे। बिल्कुल सही। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ हो जाएंगे, इनकी उक्ति मानी जाती है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, इसके कौन हो जाएंगे? ये उक्ति मानी जाती है किनकी? ये उक्ति मानी जाती है पंडित राज जगन्नाथ जी की। और बात करें तद दोसव शब्दार्थव सगुणा बन अलंकारिति पुनः क्यापी, ये उक्ति मानी जाती है किनकी? ये उक्ति मानी जाती है मम्मट जी की। मम्मट बिल्कुल सही राइट आंसर है। और एक उक्ति मानी जाती है कुंतक जी की, कुंतक जी बचे हैं यहाँ पर, इनकी उक्ति है शब्दार्थव सहितव वक्र कवि व्यापार शालिनी, वह उक्ति मानी जाती है किनकी? कुंतक जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। कूट में आपका विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, महत्वपूर्ण है। लेखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गरुर, भय ना केते जगत के चतुर्च तेरे कूर, ये आपको बताने। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? चित्र यानी कि नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र या फिर मनोनुकूलन चित्र। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और क्या होगा सही राइट आंसर? हाँ सागर जी, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तन्मय जी, राखी जी, आप सभी का यहाँ पर, लवली जी सही राइट आंसर होगा। प्रदीप जी क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, चित्र यानी कि नायिका की समान, ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर पूछा गया था इस दोहे में जो सभी दिया गया था, यहाँ पर सभी शब्द का अर्थ बताना है चित्र यानी कि नायिका के समान। जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदर सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए, यहाँ पर इस सभी का अर्थ था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 33वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः, यह किस आचार्य की उक्ति है, ये उक्ति आपके लिए 33 में चयन करना है, मम्मट, बामन, आनंदवर्धन या फिर विश्वनाथ, चयन कीजिएगा। डॉक्टर नीता जी क्या होगा सही आंसर, तो काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः एक उक्ति मानी जाती है किस आचार्य की, मम्मट, बामन, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, तो आप सभी का 33 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बामन, आचार्य बामन जी की उक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया, ये आपके लिए बताना है, बताइए, बामन, विश्वनाथ या फिर आनंद वर्धन, चयन कीजिएगा पवन जी, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अभी भी देखिए कितने लोगों ने, 36 लोगों ने मात्र वीडियो को लाइक किया है, 34 का सही आंसर बताइएगा, लाइक तो कर लीजिएगा सभी लोग एक बार, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, 34 में विकल्प नंबर एक राइट आंसर है भामय, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, आचार्य भामय ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया, भामय ने काव्य के मुख्य अंगों गुण अलंकार आदि का विशद वर्णन किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 35, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 35 में आपके लिए बताना है, बताइए, सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति या फिर प्रहेलिका, बताइए, चयन कीजिएगा। अवनेश जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, 35 में आप सभी का सही आंसर होगा, इसको बोलते हैं काकु वक्रोक्ति, विकल्प नंबर सी पूजा जी सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, काकु वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया, यहाँ पर सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सिद्धांतों को सिद्धांतकारों के साथ सम्मिलित करना है, कोड भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पर कोड है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं, बात करें यहाँ पर वक्रोक्ति सिद्धांत के कौन हो जाएंगे, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के कौन हो जाएंगे ये पूछा गया है, ऐसा वक्रो जो कान तक जाए तो वक्रो से वक्रोक्ति, कान तक जाए तो कुंतक, रीति सिद्धांत के कौन हो जाएंगे, रीति रीति से पूजा करवाते हैं कौन, बामन, तो बामन जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही, औचित्य सिद्धांत के कौन हो जाएंगे, औचित्य किसमें, क्षमा करने में, क्षमा से क्षेमेंद्र हो जाएंगे, ध्वनि सिद्धांत, ऐसी ध्वनि सुनाओ जो कौन कान को, ऐसी ध्वनि सुनाओ जिससे आनंद की अनुभूति हो, तो ध्वनि से ध्वनि सिद्धांत, आनंद से आनंद वर्धन, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपका जो राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी वाला जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 37वां क्वेश्चन है कि उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए चयन करना है, बताइएगा, उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर या फिर मम्मट, तो इसका आंसर तो आपके लिए दिख गया होगा, और विकल्प नंबर आप सभी का एक सही राइट आंसर है, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी आप सभी का सही आंसर है, लवली जी बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उज्ज्वल नीलमणि, इनका थोड़ी सा रचना काल देख लेते हैं, उज्ज्वल नीलमणि इसका रचना काल 15वीं 16वीं शताब्दी माना जाता है, रूप गोस्वामी जी की रचना है। बात करें काव्य प्रकाश की, काव्य प्रकाश ये जो है इसका जो है रचना काल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, मम्मट की रचना है। काव्य मीमांसा का रचना काल 12वीं शताब्दी, राजशेखर जी की रचना है। तंत्रालोक ये 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसकी रचना काल माना जाता है, और अभिनव गुप्त की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 38वां क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, बताइए, अपन ने इसको याद भी किया था, किस प्रकार याद किया था,
बताइए, आप बताइए पहले। 38वां क्वेश्चन है ज्योति जी, कंचन जी, और आप सभी का सही आंसर है अभी से अभिव्यक्तिवाद और अभी से अभिनव गुप्त। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। सिडनी जी बिल्कुल, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे 39 पूछा गया है, चार विकल्प आपके दिए गए। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। 39 में कौन सा विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा बताइएगा। यहाँ पर रस सूत्र के व्याख्याकार दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है और बिल्कुल सही यहां पर राइट आंसर होगा एक, भट्ट लोलट, संकोक भट्टनायक, अभिनव गुप्त। ये वाला विकल्प आपका ए जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। रस सूत्र के व्याख्याकार सिद्धांत और दर्शन, रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोलट हैं, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इनका सिद्धांत है, ये इनका दर्शन मीमांसा है। संकोक इनका सिद्धांत अनुमितिवाद है, इनका दर्शन न्याय दर्शन है। भट्टनायक इनका सिद्धांत भोगवाद या भुक्तिवाद है, इनका दर्शन सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्ता अभिव्यक्तिवाद इनका दर्शन है और सेव इनका सॉरी अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत है और सेव इनका दर्शन है। किनका? अभिनव गुप्त जी का। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा अनीता जी, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 40वां क्वेश्चन है। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, ये आपके लिए बताना है बताइए। लवली जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो भाई किया था किन्होंने, भामय ने। विकल्प नंबर आप सभी सॉरी यहां पर 40 में आप सभी का क्या सही राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा, पतंजलि होगा आप सभी का सही राइट आंसर। पतंजलि आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है बताइए, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य बताना है, चयन करना है, मूल्य अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ को व्यक्त करना बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है, व्यंजना शक्ति का कार्य आपसे पूछा गया है मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ को व्यक्त करना, ये इसका कार्य माना जाता है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर चार राइट आंसर, व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ को व्यक्त करना है। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है, अभी अपन ने इनको जो है पढ़ा है, तो चलिए फिर से सम्मिलित कर देते हैं। कूट भी आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं, ये रहे कूट, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। उत्पत्तिवाद के कौन माने जाते हैं, उत्पत्तिवाद तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के माने जाते हैं कौन, भट्ट लोलट जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही, और मीमांसा इनका दर्शन माना जाता है। अनुमितिवाद के कौन माने जाते हैं, अनुमितिवाद तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, अनुमति लेना है शंख बजाने की, तो शंख से संकोक और अनुमितिवाद के हो जाएंगे संकोक। अभिव्यक्तिवाद के कौन हो जाएंगे, तो अभिव्यक्तिवाद के तो अभी पढ़ा था, अभी से अभिव्यक्तिवाद और अभी से अभिनव गुप्त। भुक्तिवाद या भोगवाद के कौन हो जाएंगे, भट्ट नायक, बिल्कुल सही, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कोड में आपका बात करें तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इस अर्थालंकार कौन मानते हैं बताइए। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है, दंडी ने, क्षेमेंद्र ने, या वामन ने, या आनंद वर्धन ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 में, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, एक यानी कि दंडी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा।
दंडी जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए वाला जो है सही राइट आंसर है। वक्रोक्ति को रुद्रट शब्द अलंकार मानते हैं, रुद्रट जी, और जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थ अलंकार मानते हैं। बामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय और आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है, मम्मट है, भट्ट लुल्लट, भामय या क्षेमेंद्र, बताइए। तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है प्रमोद जी, सुनीत जी और आप सभी का, तन्मय जी सही राइट आंसरों का, नवल जी, आलोक जी और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन भरत मुनि के रसूत्र का व्याख्याकार है, कौन है, भट्ट लोल्लट आप सभी का विकल्प नंबर जो यहाँ पर बी है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, महत्वपूर्ण है कि काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, ये आपके कोड यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। चलिए सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर देते हैं। धन्यालोक के कौन हो जाएंगे, तो धन्यालोक के माने जाते हैं कौन, आनंद वर्धन, बिल्कुल सही। धन्यालोक के कौन माने जाते हैं, आनंद वर्धन माने जाते हैं धन्यालोक के। रचनाकार साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ जी माने जाते हैं साहित्य दर्पण के। रस गंगाधर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, पंडित राज जगन्नाथ जी माने जाते हैं रस गंगाधर के। काव्य प्रकाश के, काव्य प्रकाश के माने जाते हैं मम्मट, मम्मट जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। राजशेखर बचे हैं, काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर माने जाते हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं। कोड में बात करें आपका सही विकल्प की, तो विकल्प नंबर बी वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही अनंत जी। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र से संबंधित अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके जाइएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज रात्रि में 10 बजे आपके लिए क्लास लाई जाती है जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी जो है कल की जो 9 बजे वाली क्लास और शाम को 4 बजे वाली क्लास, ये दो क्लासें आपकी कल नहीं होंगी। कल हम जो है गांव जा रहे हैं, कल अष्टमी है तो अष्टमी की पूजा होती है तो गांव जा रहे हैं। रात वाली ये जो है 10 बजे वाली हो जाएगी कल, क्योंकि वापस भी आ जाएंगे तो ये 10 बजे वाली क्लास तो होगी, लेकिन सुबह 9 और शाम को 4 बजे वाली ये दो क्लासें आपके लिए नहीं मिल पाएंगी कल, और बाकी दिन आपके लिए चल ही रही हैं। आज संडे था तो आज संडे को ये दो क्लासें नहीं हुई थी जिनकी छुट्टी रहती है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता जी, निशा जी, ज्योति जी, लवली जी, रीमा जी, तन्मय जी, सुनीत जी, तनु जी, सुनीत जी और रीमा जी, आलोक जी, संगीता जी, देवव्रत जी, अंश जी, पूजा जी, प्रमोद जी, माला जी और शेरनी जी, मुनेश जी, दशहरा की छुट्टी देखते हैं मुनेश जी, बिल्कुल देख लेंगे, और सागर जी और ज्योति जी, रेखा जी, प्रियंका जी, मनीषा, शिविर जी, नीता जी, निशा जी, आस्था जी, यश कुमार जी और सुनते हैं हमारा गांव जो है दमोह जिले में आता है, दमोह जिले एमपी में, और आरती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया जी, सागर जी, रंजना जी, तन्मय जी, अनंत जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। कल्पना जी और अनुष्का जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रोज इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़िएगा जहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जा रहे हैं। संगीता जी, सिरनी जी, आस्था जी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल तन्मय जी आ जाइएगा, जबलपुर गांव चलेंगे घूमने फिर, और आरती जी, श्रेया राय जी, निशा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीमा कुमारी जी, सुनीत जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और लाइक शेयर सभी लोग करते जाइएगा। पूजा जी, ज्योति जी, अनीता जी, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।